हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने कि लिनचैन को होश आ जाता है मून स्प्रिंग वाटर को पिलाने के बाद में, लेकिन तभी वुजन उसको बेवकूफ बनाने लगता है और उसको बताता है कि तुम कल्टीवेट करते हुए वहीं पे तुम्हारे साथ हादसा हो गया था और तुम उसी के कारण सब कुछ भूल गई हो। और तभी वो बहाना बनाने लगता है और उससे कहता है, मैंने सुना है कि अगर हम एक चुम्बन लेते हैं आपस में तो तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और प्लीज गाइस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो सजेशन दीजिए मुझे, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, जो लोग न्यू आए हैं वीडियो देखने के लिए, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है। तो अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैन वुजिन ये लिनचैन को चुम्मी लेने के लिए आगे की ओर बढ़ रहा होता है, पूरा पोज बना के दोस्तों। और दूसरी तरफ ये लिनचैन शर्मा रही होती है और शर्माते हुए कहती है, नहीं रुक जाओ, अच्छा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लिनचैन को इस तरह से घबराते हुए देखकर और कंफ्यूज देखकर चैन वुजिन उसका हाथ लेता है और अपनी छाती पर रख लेता है और उससे कहता है, हम पति पत्नी हैं, तुमको अपने अंदर शर्मिंदगी महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है लिनचैन। मतलब दोस्तों इसको समझा रहा होता है, देख रहे कितना ठरकी इंसान है ये। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में ये लिनचैन एग्री हो जाती है और उससे कहती है, अच्छा ठीक है तुम पप्पी ले लो मेरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और हमको दिखाते हैं ये लिनचैन के एग्री हो जाने के बाद में जो उसके पास आर्टिफिक्ट स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और अपनी आंखें बंद करने लगती कि अरे नहीं मास्टर, हमारी जो है वो एग्री हो गई है इस पागल के चक्कर में। और गाइस हमको दिखाते हैं चैन वुजिन पप्पी लेने में सक्सेस हो जाता है। और दोस्तों चैन वुजिन इसके साथ पप्पी लेने के चक्कर में जाने कितने जूते खाया है आप सब जानते हैं, लेकिन आज आखिरकार ये सक्सेस हो गया है। और दोस्तों फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन के मन में जो उसका छोटा वाला डेविल लुक होता है, वो हंसते हुए कहता है, औरतें हमेशा बुरे लड़कों की तरफ ही आकर्षित होती हैं। मैं आखिरकार मैंने उसे खुले तौर पर प्राप्त कर सकता हूँ। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग कितना कमीना है ये। और गाइस फिर हमें दिखाते हैं उन लोग का रोमांटिक पल, चैन वुजिन और ये लिनचैन दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे होते हैं चिपक के। और दूसरी तरफ ये लिनचैन शर्मा रही होती है, लेकिन उसको भी बहुत मजा आ रहा होता है पप्पी में। और चैन वुजिन उसको पप्पी ले रहा होता है, लेकिन तभी जो उसका शॉर्ट सिंबल होता है माथे के ऊपर दोस्तों, वो चमकना स्टार्ट कर देता है। और चमकते हुए तभी अचानक से वहाँ पे स्पिरिचुअल पावर रिलीज होने लगती है, और इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज होती है कि ये लिनचैन के माथे से एक रे बाहर निकल, लेजर लाइट की तरीके दोस्तों एकदम, और वो सीधे चैन वुजिन के जरा सा बसता है, चैन वुजिन उसके ऊपर से निकल जाती है। और इसको देखने के बाद में चैन वुजिन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब कितना खतरनाक सीन है, आप किसी को पप्पी ले रहे और ऐसा कुछ हो जाए। और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन की वो जो लाइट होती है, लेजर लाइट जो निकलती है ये लिनचैन के माथे से, वो चैन वुजिन के गर्दन के बगल से निकल के चली जाती है। और चैन वुजिन इसको देखते हुए कहता है, अरे ये तो स्वॉर्ड क्यू आई है। साथ ही आप दोस्तों देख सकते हैं कि चैन वुजिन के कितने बाल कट चुके होते हैं और इसी कारण से चैन वुजिन की हालत खराब हो चुकी होती है। और गाइस हमको दिखाते हैं वो जो लेजर लाइट ये लिनचैन के माथे से निकलती है, वो सीधे पीछे जाके एक बड़े से पत्थर पर टकराती और वहाँ धमाका होता है, बूम। ये लिनचैन इसको देखने के बाद में घबरा जाती है और चैन वुजिन की तो फट जाती बुरी तरीके से, कि हाय दैया रे बच गया जरा सा वरना मेरी गर्दनी चली जाती। और ये लिनचैन उस धमाके को सुनने के बाद कहती है, क्या क्या हो रहा है वहाँ पे, ये धमाका कैसा है। दूसरे साइड में आप देख सकते हैं कि चैन वुजिन के कितने बुरे हाल है, वो तो बेचारा कुछ बोल ही नहीं सकता, मन में बोल रहा बच गया भाई। और गाइस चैन वुजिन के इस तरह के हाल को देखने के बाद में जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है वो उनके तो भाई मजा ही आ जाता है, वो तो बिल्कुल अपना पेट पकड़ के पूरी तरीके से हंस रही होती है। और तभी गुस्से वाली स्पिरिट हंसते हुए कहती है, अरे वाह ये तो बहुत ज्यादा ही मजेदार था यार, मजा आ गई। वो ये नहीं जानता था कि डिवाइन आर्टिफैक्ट खुद ही अपने मास्टर की रक्षा करेगी। तभी उस गुस्से वाली स्पिरिट की ये बात सुनने के बाद में जो फ्रेंडली स्पिरिट थी वो भी हंसते हुए कहती है, तुमने सही कहा, मुझे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोनों बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके वुजिन की मौज लेते हुए खिलखिला खिलखिला के हंस रही होती है पेट पकड़ के। उन दोनों को इस तरह से हंसते हुए देखकर ये लिनचैन चैन वुजिन से पूछती है, वुजिन क्या तुम ठीक हो और इस दौरान क्या हुआ है, सच सच बताओ मेरे को। ये लिनचैन की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन थोड़ा घबराते हुए हंसता है और अपने खोपड़े पे खुजलाते हुए बोलता है, अच्छा ठीक है, यह एक बहुत लंबी कहानी है, मैं इसे बाद में समझाऊंगा आपको, ठीक है ये मैं आपसे वादा करता हूँ। और दोस्तों ये बात सुनकर दूसरी तरफ जो आर्टिफैक्ट स्पिरिट होती है वो तो बुरी तरीके हंस रही होती है, अभी तक उसकी मौज ले रही होती है। और मौज लेते हुए गुस्से वाली स्पिरिट बोलती है, चैन वुजिन
जबकि स्वार्ट्स की विल ये लिंचन के साथ उसके सोल में है। ये बहुत लंबा समय होगा इससे पहले कि वह इसे खुद कंट्रोल कर सके। और तभी जो फ्रेंडली वाली स्पिरिट होती है वो गुस्साते हुए बोलती है, झूठा, चैन वुजिन एक बहुत बड़ा झूठा आदमी है, इसकी बात पे भरोसा बिल्कुल मत करना। चैन वुजिन वो दोनों स्पिरिट आर्टिफैक्ट की ये बातें सुनने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों कि उसके चारों तरफ से आग निकलना शुरू हो जाती है गुस्से के मारे। और वो चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कभी भी ऐसी आर्टिफैक्ट स्पिरिट को नहीं देखा है जो इस तरह से दर्द बन जाती है। मतलब समझ रहे दोस्तों, इसकी गलत बात पे एग्री नहीं हो रही इसलिए दर्द बन जा रही है वो। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोग अभी यहाँ से गायब हो जाओ। और दोस्तों हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के साथ ही चैन वुजिन उन दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट के ऊपर उनको पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी दिखाते हैं कि उसका हाथ जो है उन दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट के आर पार निकल जाता है। और वो दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट वहीं पे बैठे हुए बड़ी मौज ले रहते हैं अभी भी, और उससे कहती है, तुमने क्या सोचा था तुम आराम से पकड़ लोगे हमको। और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन जब वहां से मिस हो जाता है एकदम से, वो शॉक्ड हो जाता है, वो कहता है, क्या ये क्या हो गया, मैं तो उसे पकड़ ही नहीं पाया। और उसका हाथ खुद उसके कांधे पे जाके लग जाता है। और तभी चैन वुजिन को इस तरह देखने के बाद में वो गुस्से वाली स्पिरिट बोलती है, हमें आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। और जो उनकी बॉडी होती है दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। फिर बाद में फ्रेंडली वाली स्पिरिट बोलती है, हमने अपने मिशन को पूरा कर लिया है जो हमारे मास्टर ने हमें दिया है, हमारा मिशन अब पूरा हो गया है। और तभी गाइज ये बोलते हुए वो दोनों आर्टिफैक्ट स्पिरिट वहां से डिस्पेयर हो जाती हैं, गायब होना स्टार्ट हो जाती हैं। और साथ ही चैन वुजिन उनको इस तरह से गायब होता हुआ देखकर शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये गायब क्यों हो रही हैं। और तभी हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन के सामने वो पूरा गायब हो जाते हैं, बस आखिरी में हल्के से कुछ उनके कण रह जाते हैं वहां पे। और तभी वो उनको देखते हुए सोचता है, अरे ये क्या, वो तो सच में बाहरी दुनिया पर एक नजर डालना चाहते थे, अगर अभी भी एक मौका है। और साथ ही ये बोलने के साथ में वहीं पे सर झुका के बैठ जाते हैं क्योंकि उसको ये उम्मीद नहीं होती है, वो तो इन सब चीजों को नॉर्मली वे में ले रहा था दोस्तों अभी तक। और तभी ये बात को रियलाइज करने के बाद में चैन वुजिन अपने आप को संभालते हुए कहता है, तुम सभी अभी भी मेरे को बस दर्द दे रहे हो। गाइस बोला तो यहाँ कुछ और होता है उसने, लेकिन मैं खुल के नहीं बोल सकता, इसलिए बस दर्द दे रहे हो यही अच्छा है। और तभी दिखाते हैं कि चैन वुजिन ये सब चीजें सोच ही रहा होता है, तभी ये लिन चैन पीछे उसको आवाज देती है, चैन वुजिन। और चैन वुजिन उसकी आवाज सुन के पीछे देखता है, और फिर ये लिन चैन को दिखाते हैं दोस्तों, और ये लिन चैन अपने आप को संभाल रही होती है और संभालते हुए कहती है, मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। और गाइस सच बता रहा हूँ, ये लिन चैन का पोज ये वाला मुझे बहुत मस्त लगा, एकदम मस्त वाला लगा। और फिर कहती है, अगर आपने शादी के बारे में मुझसे झूठ बोला है तो। और हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में ये लिन चैन बहुत ज्यादा ही गुस्सा जाती है, इतना ज्यादा गुस्सा जाती है कि उसके आंखों में अंगारे दिखने लगते हैं। और तभी वो गुस्साते हुए बोलती है, अगर तुमने शादी के बारे में मुझसे झूठ बोला है तो तुम बस एक मरे हुए आदमी होगे, मैं तुमको अभी मार डालूंगी। और गाइज ये बोलते हुए ये लिंचन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसकी चारों तरफ जो स्पिरिचुअल पावर होती है वो पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। और ये देखने के बाद में चैन वुजिन के एकदम पसीने छूटना स्टार्ट हो जाते हैं, और चैन वुजिन उसको देखते हुए कहता है, ये लिंचन तुम इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो, इतना ज्यादा मत सोचो यार। और तभी हमें दिखाते हैं उस गुफा में चिल्लाने की आवाज आ रही होती है, मुझे मत मारो, प्लीज छोड़ दो, मत करो ऐसा। और उस आवाज के खत्म होने के बाद दिखाते हैं वो जो मून स्प्रिंग वाटर होता है दोस्तों, वहाँ पे कोई उसमें स्ट्रॉ डाले होता है। और दोस्तों हमें दिखाते हैं अगले सीन में चैन वुजिन को इतना ज्यादा ये लिन चैन ने पेला होता है इसका कोई हद नहीं है। देख रहे हैं उसके हर तरफ से मतलब सूजन गुम्बड़ निकले पड़े हैं बुरी तरीके से, पीटने वाले गुम्बड़ नहीं होते दोस्तों जिससे निकल आते हैं मारने से, वही वाले सारे गुम्बड़ निकले होते हैं, उसकी आंख बिल्कुल काली होती है। और चैन वुजिन इतना मार खाने के बाद में सोच रहा होता है, मैंने बताया तो आखिरकार आप मुझसे शादी करने जा रहे हैं, तो क्या हुआ अगर मैंने इस बात को थोड़ा पहले ही मजाक में बोल दिया तो। और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन ने उस मून स्प्रिंग वाटर का पानी इतना ज्यादा पी लिया होता है कि पूरा उसका पेट एक टंकी के तरीके फूल जाता है, और वो उसके बाद में वहाँ पे लेट जाता है। और लेटते हुए सोचता है, उन सभी ने कहा कि मून स्प्रिट सच में बहुत पावरफुल है, लेकिन मुझे इतना पानी पीने के बाद में भी कुछ महसूस क्यों नहीं होता है, ये पानी तो मेरी बाहरी चोटों को भी ठीक नहीं कर सकता है, तो कैसे ये मिरेकल पानी हो सकता है। और दूसरी तरफ दोस्तों हमें दिखाते हैं कि ये लिन चैन वहाँ जो खूब ढेर सारा सोना पड़ा हुआ था उसमें से कुछ ढूंढ रही होती है, और ढूंढने के बाद में वो एक बॉक्स में थोड़े से हीरे जवाहरात और सोना और कुछ पिल्स शायद कुछ होता है उस चीजों को रख लेती है। और रखने के बाद में चैन वुजिन की तरफ देखते हुए गुस्से में कहती है, तुम बदतमीज, तुम वही हो जो हमेशा बस बदतमीजी करते रहते हो, ढरकी इंसान, बस तुम अपनी ढरकपन दिखाते रहो। ये लिन चैन की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन अपने दोनों फूले हुए गालों को पकड़े हुए कहता है, मैं संभावित रूप से इस गेम
गेम का मेन कैरेक्टर हूँ जो सबसे खराब है, मतलब कि एक विलन है। और तभी ये लिंचन चैन वुजिन की तरफ देखते हुए कहती है, आपकी आँख के साथ क्या है? और साथ ही साथ ये कहने के बाद में शॉक्ड हो जाती है। ये लिंचन की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मेरी आँख? अबे तो तुम्ही ने लाल करी है बुरी तरीके मार मार के, आप क्या देख रही हो? और फिर बाद में दिखाते हैं ये लिंचन की बात सुनने के बाद में चैन वुजिन स्प्रिंग वाटर की तरफ देखना स्टार्ट करता है और उसको देखते हुए कहता है, ये तो ठीक है, जितनी चोट थी सब गायब हो गई है। और फिर अपने आप को देखते हुए कहता है, मैं अभी भी पहले की तरह ही हैंडसम और गुड लुकिंग हूँ। क्या बात, मैं तो बहुत सुंदर दिख रहा हूँ। ये लिंचन चैन वुजिन की इस तरह की हरकतों को देखते हुए कि वो कितना ज्यादा अपनी तारीफों के पुल बांध रहा बुरी तरीके से, अपने मन में सोचती है, मुझे उसके जैसे एक ठरकी के बारे में चिंता करने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। और साथ ही साथ दोस्तों ये कहने के साथ थोड़ा स्माइल कर रही होती है। चैन वुजिन उस मून स्प्रिंग में देखते हुए अपनी तारीफों के पुल बांध रहा होता है, लेकिन तभी देखता है कि वहाँ बीच में कुछ चमक रहा है और उसे देखने के बाद बोलता है, ये क्या है जो चमक रहा है? और तभी हमें दिखाते हैं उस पानी के अंदर बीचों बीच एक बॉक्स टाइप कुछ रखा होता है और चैन वुजिन उसको देखने के बाद सोचता है, क्या ये खजाना है? और तभी ये बोलने के साथ ही चैन वुजिन बहुत खुशी खुशी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचता है, अब ऐसा ही होना चाहिए था, मैं इस कहानी का मेन कैरेक्टर हूँ। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग का एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और मैंने कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन करूं दोस्तों। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज मेरा सपोर्ट करिए। जो लोग न्यू आए हैं सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करके जाइएगा और जो पुराने हैं प्लीज आप लोग भी सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।